यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इस वक्त की एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों से, जहां महाराष्ट्र बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया के साथ कुछ लोगों ने धक्का मुक्की करते हुए सोमैया को जमीन पे गिरा दिया, जिसके चलते सोमैया को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दरअसल मामला शनिवार सुबह उस समय का है जब किरीट सोमैया पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिवसेना सांसद संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वह पुणे महानगर पालिका भी पहुंचे। वहां पहले से कुछ बीजेपी कार्यकर्ता के अलावा शिवसेना के भी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिसके बाद दोनों तरफ से जोरदार नारेबाजी की गई। कुछ शिव सैनिक ने सोमैया को धक्का मुक्की की। इस पूरे वाक्य का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सोमैया को पुणे महानगर पालिका की सीढ़ियों से गिरते हुए देखा जा सकता है। इस हादसे में सोमैया को हल्की चोट भी आई है। उन्हें इलाज के लिए संचेती अस्पताल ले जाया गया। प्रदर्शन के दौरान शिव सैनिक सोमैया की गाड़ी के आगे लेट गए। वहीं एक महिला ने सोमैया की कार पर चप्पल फेंक कर अपने गुस्से का इजहार किया। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी खुद किरीट सोमैया ने अपने ट्विटर हैंडल से अंग्रेजी में ट्वीट कर दी। अपने ट्वीट में सोमैया ने लिखा है कि पुणे महानगर पालिका परिसर में शिवसेना के कुछ गुंडों द्वारा मुझ पर हमला किया गया। बाद में सोमैया पर हमले करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किए जाने की जानकारी भी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। हमारे चैनल सेफ न्यूज